अभी हम ओखला रेंज में हैं जो कि साउथ दिल्ली का हिस्सा है, और ये अरावली रेंज की एक अवशिष्ट श्रेणी है जो अरावली रेंज राजस्थान से गुजरात से होते हुए दिल्ली तक पहुंचती है, उसका एक हिस्सा है। हम इस जंगल को देख सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर कांटेदार पेड़ पौधे हैं। और पशुओं में अगर हम बात करें तो यहाँ पे मोर, सियार और नीलगाय इत्यादि जो हैं, कभी कभी आपको तेंदुआ भी यहाँ देखने को मिल सकता है, जंगली कुत्ते भी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इस क्षेत्र को आप टोटल देखिए, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, घने जंगल भी हैं। और जो अगर हम इसका पूरा व्यू लेते हैं तो अभी हम ये देखना चाह रहे हैं कि इसमें कोई पशु हमें मिलता है या नहीं। सामने एक नीलगाय है, सामने की तरफ एक नीलगाय है, हम उसको कवर करना चाहते हैं कि उसका वीडियो आपको दिखा सके। आगे बढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं। सामने की तरफ एक नीलगाय है, एक इधर भी है, आप देख सकते हैं। ये गाय की एक प्रजाति होती है जो कि माना जाता है कि हॉर्स और गाय का मिक्सचर होता है। हम इसे फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये दौड़ने में भी काफ़ी तेज होती है। हमें देखते ही ये आगे की तरफ बढ़ गई। इसके अलावा जो है यहाँ पे कभी कभी आपको चीता या तेंदुआ की जो है कुछ प्रजातियाँ मिलती हैं, आप देख सकते हैं सामने। आप सामने नीलगाय देख रहे हैं। इस जंगल की ये बहुत विलुप्त प्राय सी है, ये मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। और इसमें एक वाइट भी प्रजाति होती है जो आपको दिख रहा है सामने। इसके अलावा जो है आप नीलगाय के अलावा इसमें काफ़ी सारी पक्षियों का देख सकते हैं, उनका कलरव आपको सुनाई दे रहा होगा, काफ़ी शोर करते हैं आप किसी भी समय अगर यहाँ आते हैं तो। और झुंड में आपको काफ़ी सारी चिड़ियाँ यहाँ पे मिल जाएंगी। ये फॉरेस्ट जो है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा रक्षित की गई है, जो नेशनल टेरिटरी दिल्ली में अवस्थित है। पक्षियों का कलरव आप सुन सकते हैं, ये अक्सर समूह में ही रहना पसंद करते हैं। नीलगाय के साथ भी यही सारी बातें हैं कि वो भी हमेशा दो दो के समूह में रहते हैं। चिड़ियों की आवाज़ सुन सकते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से ये एक दूसरे को संबोधित करते हैं ताकि अन्य पक्षी या पशु जो हैं जागरूक हो जाए।